वेलकम एवरीवन। लास्ट जो 19th लेक्चर था आपका इलेक्ट्रोस्टैट का 12th क्लास का, उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू गोज थ्योरम हमने कर लिया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे गोज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टार्ट होगा हमारे पास गोज थ्योरम या गोज लॉ भी बोल सकते हैं, एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको आइडिया हो गया होगा गोज थ्योरम का अभी तक, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही उसकी डेफिनेशन आ गई थी हमारे पास। देखिए, जो अभी तक कर लिया है एक बार वो बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ गोज थ्योरम हमने किया था, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, हमने एरिया वेक्टर को देख लिया था, और इन दोनों की हेल्प से हमने एक रिजल्ट निकाला था कि अगर चार्ज सरफेस के अंदर इंक्लोज है, अगर चार्ज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो आपके पास जो फ्लक्स आता था वो आता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू कौन सा होता था? जो आपके पास इंक्लोज होता था, जो अंदर रखा है, ठीक है। अगर चार्ज आपके पास आउटसाइड रखा होता था तो आपके पास जो फ्लक्स आता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपके पास जीरो आता था। इतना हमने कर लिया था। आपने चाहे आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस लिया था, चाहे आपने सिमेट्रिक क्लोज सरफेस लिया था, अलग अलग तरीके के लिए थे। आर्बिट्रेरी वाले में हमने सॉलिड एंगल का यूज़ करके आपको प्रूव किया था कि आंसर यही आता है, अगर चार्ज अंदर रखा है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर चार्ज आउटसाइड रखा है तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और ध्यान रखना, ये क्लोज सरफेसिस की बात हो रही थी हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रूव कर ली थी हमने सॉलिड एंगल या इस सब की डेफिनेशन यूज़ करके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आपने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? ई डॉट डी एस, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्लोज सरफेस होता था तो यहाँ पे क्लोज लगा देते थे, अगर क्लोज सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस है, तो ये क्लोज का साइन हटा देते थे। तो इतना हो गया था हमारे पास गोज थ्योरम के इंट्रोडक्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। वो वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया वहीं से। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गोज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बड़ी वीडियो आप देखते ही नहीं हो, ओके, ठीक है। तो गोज थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन वही आ गई थी लास्ट लेक्चर में ही। गोज थ्योरम क्या बोलता है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस, द, ये पहले आ गया हमारे पास, द जो अभी अभी बताया था ना, इसे मेमोराइज किया था, वही चीज़ है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस, इस वर्ड को याद रखना, एक न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना ये क्लोज सरफेस के लिए लगा रहे हैं हम। द गोज थ्योरम जो है क्लोज सरफेस के लिए लग रही है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज, द क्लोज सरफेस हैविंग some charge enclosed in it is 1/ε0 times the total charge enclosed, ठीक है। ये 1/ε0 जो है ये आपके पास तब लगाना है जब आपके पास वैक्यूम यूज हो रहा हो, ठीक है। अगर कोई मीडियम हो तो आप सबको पता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे, मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट को आप एप्सिलॉन से चेंज कर लेंगे, मीडियम की परमिटिविटी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो परमिटिविटी मीडियम की यूज होगी अगर अंदर कोई मीडियम है। अगर मीडियम नहीं है आपके पास, जैसे एक सेल है जो भी इससे खाली है, खोखली है, तो वहाँ पर तो हवा ही होगी उसके अंदर, या वैक्यूम होगा मान के चले, तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज होगा आपके पास, ठीक है। ज़्यादातर आपके पास एप्सिलॉन नॉट वाले ही केसेस जाएंगे, स्पेस की बात करेंगे। तो गोज थ्योरम क्या बोलती है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक क्लोज सरफेस है, उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपके पास जो उसके अंदर जो टोटल चार्जिंग क्लोज है उसका 1/ε0 टाइम्स। तो इसने यही बात बोली है जो भी पीछे हमने लास्ट लेक्चर में भी समराइज की थी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड।
ये क्यू क्या है, इनक्लोज, जो अंदर रखा है, बाहर वाले की बात नहीं करी इसने, बाहर वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा वो 1/ε₀ टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज, और अगर मीडियम है, इफ मीडियम इज इंक्लूड, ये वैक्यूम में लगाना आपको फॉर्मूला, वैक्यूम या एयर की बात हो रही हो, अगर मीडियम की बात हो तो इसी फॉर्मूले को आप क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखेंगे, फिर आप उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले टर्म से के इनटू एप्सिलॉन नॉट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उधर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स घट जाता है। ये आ गया, इसी चीज़ को थोड़ा सा और खोल के लिखते हैं इसी फॉर्मूले को। देखो, एक तो गॉस थ्योरम फ्लक्स निकालने के लिए हेल्पफुल है, दूसरा आपके पास, हमने फ्लक्स पढ़ा था कि आपके पास फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, डिटेल में कर चुके हैं ई डॉट डी एस, और अगर क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर क्लोज का साइन लगा देते हैं, और गॉस थ्योरम क्या बोलती है, ये किसके बराबर होगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेफिनेशन भी कुछ बुक्स में दे रखी होंगी आपको, या तो डेफिनेशन यही दे रखी होगी, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, हैविंग ए चार्ज क्यू इनक्लोज इन इट इज 1/ε₀ टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज, या फिर आपको एक डेफिनेशन थोड़ा सा खोल के बता रखी होगी, उसमें क्या है आपके पास, वो डेफिनेशन ऐसी होगी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम वी इज 1/ε₀ टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज। कैसे, द सरफेस इंटीग्रल, समझना, मैंने बताया था आपको यहाँ पे डी एस लिखा है तो इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, द सरफेस इंटीग्रल, या फिर दोबारा से द क्लोज सरफेस इंटीग्रल, द क्लोज, ये क्लोज के लिए यूज हुआ, ये डी एस सरफेस के लिए यूज हुआ, ये इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल के लिए यूज हुआ, द क्लोज, यहाँ पे बनाता हूँ द क्लोज सरफेस इंटीग्रल, अभी तक ये बात हुई है, क्लोज है, सरफेस है, इंटीग्रल है, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका भी सरफेस इंटीग्रल लेना होता है वो यहाँ पे इसके साथ डॉट में लिखते हैं, ठीक है, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, अगर यहाँ पे मैं ई डॉट डी वी लिख देता वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोल देते, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ई डॉट डी एल लिख देते, डी एल लेंथ, तो इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, तो वो मैथमेटिकल वर्ड है आपके पास, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है आप सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे आपके पास एक स्पीयर है, जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल के सरफेस सरफेस की बात कर रहे हो, उसके अंदर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अंदर की बात करेंगे तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, वॉल्यूम के अंदर चले गए आप, वहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, सरफेस का मतलब है बस आउटर सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और लाइन इंटीग्रल का मतलब जब आपके पास लेंथ के अलोंग, जैसे एक वायर की लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उसको लाइन इंटीग्रल बोल देंगे, ठीक है, किसी टू डायमेंशनल बॉडी के सरफेस पर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसको सरफेस इंटीग्रल, और वॉल्यूम के अंदर हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं, और इन तीनों में रिलेशन होती है, वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये होती है आपके पास, ग्रेजुएशन में जाके आप उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, हम डेफिनेशन पे आए हुए थे, द क्लोज, इसको मैं बोल रहा था कि कुछ बुक ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम वी, देखिए कोई भी सरफेस है वो कुछ वॉल्यूम जरूर इंक्लोज, वॉल्यूम इंक्लोज करने की बात बोल रहा है, जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी जो ये आउटर स्किन है, ये आपके पास सरफेस होती है, ये आउटर स्किन बोली जाएगी सरफेस, इस सरफ ये जो सरफेस है, जो ये स्किन है, ये अंदर हड्डियां, मांस, खून, ये सब लिए हुए हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे वॉल्यूम, तो ये क्लोज सरफेस है, मेरी स्किन क्या है, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस अंदर कुछ वॉल्यूम इंक्लोज की हुई है, तो जो बोलने का जो इनका ढंग है वो यही बोल रहा है, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम वी, ठीक है, जो कुछ वॉल्यूम को इंक्लोज किए हुए है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ वॉल्यूम इंक्लोज होनी चाहिए तब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए अंदर सरफेस के, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, जैसे फरस हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है, रूम का फ्लोर हो गया, यहाँ से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस ऊपर एक क्यू चार्ज रखा है, और आपसे पूछे इसके अक्रॉस फ्लक्स बता दो, तो आप बोलेंगे क्लोज सरफेस नहीं है,
ठीक है। तो आप एक बार जो ये चीजें देखो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही है सरफेस को। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर जाती है। आप क्या देख रहे हैं, इस सरफेस से जितनी लाइन एंटर करी उतनी बाहर निकल गई। किया था ना लास्ट क्लास में भी ये केस, हमने ये वाला केस किया था। ठीक है, यहाँ से ऐसा बाहर से फिल लाइन आ रही थी यूनिफॉर्म, जितनी फिल लाइन एंटर करी थी उतनी बाहर निकल गई थी। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था वो आपके पास जीरो निकल के आया था। ठीक है, वहाँ पे इसका रीजन ये बताया था, जितनी फिल लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे कि जितनी फिल लाइन एंटर कर रही है उतना बाहर निकल रही है, तो आप जनरली जीरो आंसर दे देते हैं। ठीक है, पर ऐसा हरदम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको ऐसा दिख रहा है जितनी फिल लाइन इसमें एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, पर इस सरफेस में और इस सरफेस में डिफरेंस है। इस डेफिनेशन में जाओ, अभी भी बोल रहा था, सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कुछ वॉल्यूम को इंक्लोज करता हो। ठीक है, उन सरफेसेस के लिए वैलिड है ये, सरफेस ऐसा जो कुछ वॉल्यूम को इंक्लोज करता हो। अब जो ये सिलेंडर था, इसके अंदर तो एयर या जो भी है सिलेंडर का खुद का मटेरियल हो, वो कुछ तो इंक्लोज किया हुआ है, पर जो ये प्लेन सरफेस है ये तो जस्ट एक जैसे कागज का एक पन्ना है, वो कुछ वॉल्यूम इंक्लोज नहीं करता। तो इसके लिए ये अप्लाई नहीं करेंगे आपकी, जितनी फिल लाइन एंटर कर गई उतनी बाहर निकल गई। इसके लिए आपके पास फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, ध्यान देना, फ्लक्स विल नॉट इक्वल टू जीरो। कभी डायरेक्ट गॉस थ्योरम वाली स्टेटमेंट में जाओ कि जितनी फिल लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल गई, फ्लक्स तो जीरो हो गया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नेट फिल लाइन क्रॉसिंग है सरफेस, नेट तो कोई क्रॉस ही नहीं करी ना, जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकली। ठीक है, कैसे निकालते हो, आउटवर्ड देख लो, इनवर्ड देख लो, अगर आउटवर्ड और इनवर्ड बराबर है तो जितनी एंटर करेगी उतनी बाहर, जीरो फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे लग सकता है क्योंकि ये कुछ वॉल्यूम को इंक्लोज कर रहा था, जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकल गई, यहाँ पे आप जीरो बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो याद रखना, जो डेफिनेशन थोड़ी सी दूसरी वाली बताई है मैंने, उसमें क्या है, क्लोज सरफेस जो है वो कुछ वॉल्यूम को इंक्लोज किया हुआ होना चाहिए, तब आप जाके ये स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, और फिर आगे वही है, अगर सरफेस के अंदर चार्ज है, इंक्लोज्ड चार्ज की बात हो रही है बस। एक तो देखो कुछ मेन मेन पॉइंट आ रहे हैं, एक तो सरफेस क्लोज होना चाहिए, ध्यान देने, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए, वो कुछ वॉल्यूम को इंक्लोज किया हो। इसको रब करके ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेन मेन पॉइंट से आए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। पहला, आपके पास क्लोज सरफेस होना चाहिए, द सरफेस शुड बी क्लोज। दूसरा, सम वॉल्यूम शुड बी इंक्लोज, कुछ वॉल्यूम इंक्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास चार्ज अंदर होना चाहिए, चार्ज शुड बी इनसाइड। चार्ज अगर बाहर है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये चार्ज की बात हो रही है ना, बस ये इनसाइड वाले चार्ज की बात हो रही है, बाहर वाले चार्ज की बात नहीं हो रही है। तो ये चीजें अभी तक इतनी आई है, इसको और चीज और आगे बढ़ाएंगे तब देखेंगे। तीसरी, एक चौथी बात और ये है कि गॉस थ्योरम हम बस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ही लगाते हैं, फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, या सिमेट्रिक चार्ज बॉडीज, या सिमेट्रिक बॉडीज के लिए ही लगाते हैं। लगा सकते हैं हम इसको एसिमेट्रिक बॉडीज के लिए भी, पर वहां पे कैलकुलेशंस इतनी बड़ी चली जाएंगी कि बहुत दिक्कत हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए ही लगाएंगे इसको, मैं बताऊंगा कि एसिमेट्रिक में कैलकुलेशंस कैसे दिक्कत करेंगे। ठीक है, अभी तक स्टेटमेंट समझ में आ गई है, गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन वगैरह की चार्ज इंक्लोज की वजह से ही सारा फ्लक्स होगा, ये सब पिछले लेक्चर में हो चुका है। पिछले लेक्चर में हमने किया क्या था, यही चीज तो हुई थी हमारे पास, अगर चार्ज अंदर रखा है तो क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आ रहा था, चार्ज बाहर रखा है तो आपके पास जीरो फ्लक्स आ रहा था, तो वो वेरिफिकेशन वगैरह से बाहर हो गई थी, वो पिछले लेक्चर में हो चुकी थी हमारे पास। ठीक है, तो देख रहे हैं कि क्यों इसको सिमेट्रिक बॉडीज के लिए अप्लाई किया जाए। यहाँ पे हमारे पास देखो, इसमें स्टेप क्या, हमारे पास गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए स्टेप्स क्या हैं, आप अपनी मर्जी से क्लोज सरफेस मान सकते हैं। मैंने अभी इधर इधर क्या बताया था कि क्लोज सरफेस होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से एक क्लोज सरफेस मान सकते हैं, जिसको बोला जाएगा गोजियन सरफेस, जिसको क्या बोला जाएगा, गोजियन सरफेस। आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए और आपको क्लोज सरफेस नहीं दिख रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वायर है, वायर पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है,
डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपसे बोला जाए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो क्लोज सरफेस तो आपको दिखाई नहीं कहीं पे। अगर क्लोज सरफेस नहीं दिखा तो आपको गॉस थ्योरम याद नहीं आएगी। हाँ, कूलाम्स लॉ से ये जरूर किया हमने, कूलाम्स लॉ से हमने देखिए ये ऐसे किया था, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट इधर कंसीडर करा, इसकी वजह से फील्ड उधर, इसकी वजह से उधर, दोनों का नेट इधर बन गया। इस तरीके से उनकी वैल्यू डी क्यू अपॉन 4π ε0 आर स्क्वायर, ये सब लिख के निकाला हुआ है हमने, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली में। उन्हीं चीज़ों को इधर आसान किया है गॉस थ्योरम ने, ठीक है। ये ज़्यादा बेसिक है, हालांकि कूलाम्स लॉ पहले आया था, कूलाम्स लॉ की वजह से ये गॉस लॉ बना था, पर गॉस लॉ इतना बेसिक है कि इसकी वजह से कूलाम्स लॉ को डिड्यूस किया जा सकता है, अगर ये पहले पता होता तो, ठीक है। तो जैसे इधर एक वायर है तो यहाँ पे आपको क्लोज सरफेस नहीं दिख रहा, अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, बात यही हुई थी। तो क्लोज सरफेस होना यहाँ पे दिख नहीं रहा, होना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हो एक क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस को आप गॉसियन सरफेस बोला करोगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या बात बोला है मैंने कि आप अपनी मर्जी से गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस एक कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ऑलराइट, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस की कुछ खास बातें हैं, गॉसियन सरफेस जो आप कंसीडर करेंगे ये ऐसा कंसीडर करना है कि जहाँ जितना भी चार्ज आपको दिख रहा है वो सब इसके अंदर ही आए, इसके बाहर ना रहे, या तो बाहर रह जाए या इसके अंदर रह जाए, पर इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नो चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस, देयर शुड बी नो चार्ज ऑन ऑन या एट, अपना इंग्लिश देख लेना, ऑन गॉसियन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, या तो इनसाइड हो, इधर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, या तो चार्ज अंदर होगा या चार्ज आपके पास बाहर होगा, सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं लेना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस की एक और खास बात यह है कि देखिए, वैसे तो ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस आपके पास सिमेट्रिक भी ले सकते हैं, आप आर्बिट्रेरी भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लोज सरफेस कैसा भी ले सकते हैं, वो ले तो सकते हैं, पर थोड़ा सा हमने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए क्या कोशिश की कि क्लोज सरफेस ऐसा ले जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो। वो लिख लेते हैं, इस पॉइंट को समझाता हूँ, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी सेम, शुड बी सेम एट ईच पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ट्राई करेंगे, ट्राई दैट, ऐसा ट्राई कोशिश करनी है हमने, ठीक है, कि ऐसा सरफेस कंसीडर करा जाए जिस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह पे उस चार्ज की वजह से, जो चार्ज अंदर इंक्लोज है ना, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो आपके पास हर जगह पे उस सरफेस पे सेम हो। अब ये ट्राई करेंगे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है, ये बस ट्राई करना है अपने, ऐसा कंपल्सन नहीं है गॉस थ्योरम, पर देखिए आपको ये करने में ही फायदा है, क्यों समझते हैं इस चीज को, आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ये क्यू होता था, ये क्यू इंक्लोज वाला होता था, ठीक है, ये सोल्व करना है आपको, इंटीग्रेशन सोल्व करना, इंटीग्रेशन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डी एस, सरफेस पे जो छोटा सा एलिमेंट आपने सरफेस एलिमेंट कंसिडर करा वो है। अब ध्यान देना, अगर ई ऐसा आपने ले लिया, ठीक है, जो अच्छा देखो, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है, किसी चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। अगर सपोज करो मैं ई को ऐसा ले लूँ कि वो कांस्टेंट बन जाए, तो आप ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ठीक है, ई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो अंदर तो आपके पास सिर्फ डी एस बचा। डी एस क्या था, एक छोटा सा एलिमेंट जो आपने कंसिडर किया था सरफेस एलिमेंट, जैसे आप एक स्पीयर की बात कर रहे हैं, स्पीयर पे आपने ये एक छोटा सा डी एस कंसिडर करा था, उसका इंटीग्रेशन का क्या मतलब बनता है, इंटीग्रेशन तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ता है, ऐसे ऐसे डी एस इस पूरे सरफेस पे आपने कंसिडर करें, उन सब का सम जो बनेगा वो आपके पास
इंटीग्रेशन सोल्व करके देगा। तो ऐसे ऐसे डीएस को जोड़ोगे, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन कर दोगे किसी स्पीयर के, तो आपके पास ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन सोल्व करके क्या देगा, एरिया ऑफ दैट स्पीयर, एरिया ऑफ दैट स्पीयर, एरिया ऑफ दैट स्पीयर। तो आपको कितना ऐसा इजी पड़ गया, ई तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था, अगर ई बाहर आ गया तो बस ये चीज तो क्या बनी है, वो सरफेस का एरिया, स्पीयर है तो स्पीयर का एरिया, या दूसरी कोई चीज हो, ट्रायंगल हो या और कुछ, तो उसका एरिया आ जाता। ठीक है, तो ई के बाहर आने से ये जी हुआ है। अब देखो मान लो ई बाहर ना आए, अगर ई में कुछ ऐसी चीज आ गई कि इसको आप बाहर ना ले सके, तो आपको इंटीग्रेशन, मान लो ई में ऐसा कुछ आ गया साइन थीटा कोस थीटा इस तरीके की चीजें आ गई, ठीक है, या एक्स आ गया या आर की वैल्यू कुछ आ गई, तो इसको आप बाहर नहीं ले पाएंगे। अगर आप ई को बाहर नहीं ले पाएंगे तो इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन मैथ्स वाले सोल्व कर लेते हैं, बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मैथ्स वाले भी छोटे मोटे छोटे इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हो गया तो बहुत लंबा स्टेप में जाएगी कैलकुलेशन, लंबी कैलकुलेशन होएगी। हाँ मान लिया कुछ एक्सपर्ट्स हैं मैथ्स के, सोल्व कर लेंगे, पर इतना लंबा मैथ्स करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऐसा सरफेस लें जिस पर ई की वैल्यू सेम रहे, ई की वैल्यू सेम रहेगी, तो जहां पर सेम वैल्यू को आप कॉन्स्टेंट वैल्यू बोलते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो ई सरफेस ऐसा लेना है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। ऐसा सरफेस जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो एक स्पीयर है, ये क्या है आपके पास स्पीयर, दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे सेटिस्फाई हो। मान लो इसके सेंटर पर, एक बार इसको भी नहीं, मैं एक बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ कैसे। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, इसकी वजह से आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो किसी पी पॉइंट पर, यहाँ पर। तो आपके पास मेथड क्या है, आपको गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, तो क्लोज सरफेस जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से होता हुआ ले ले, इस तरीके से ले ले कि आपके पास या तो चार्ज इसके अंदर रहे या इसके चार्ज बाहर रहे, उस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज ना हो। ओके, ये ले लिया आपने, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी थी। ठीक है, अब आपको पता है आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ई डॉट डी एस निकालना पड़ेगा। तो ये जो P पॉइंट है, ये सेंटर पर क्यू चार्ज था, इससे R डिस्टेंस दूरी पे है सपोज करो, ठीक है, यहाँ पर भी R डिस्टेंस दूरी पे है, यहाँ पर भी R डिस्टेंस, यहाँ पर भी R डिस्टेंस, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, ये जो पूरा सरफेस है इस चार्ज से R R डिस्टेंस दूरी पर है। और आप सभी को पता है कि एक क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो क्यू अपॉन 4π ε0 r² आता था। ठीक है, क्यू तो चेंज नहीं हो रहा, 4π ε0 चेंज नहीं हो रहा, बस रेडियस पर डिपेंड करता था ई की वैल्यू, तो R भी चेंज नहीं हो रही इस पूरे सरफेस पे, R की वैल्यू यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ पर भी उतनी है, सब जगह सेम है। अगर R की वैल्यू सब जगह सेम है तो Q सेम, 4π ε0 सेम हर पॉइंट पर, R भी सेम, तो E की वैल्यू भी यहाँ पर भी उतनी ही होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह E की वैल्यू सेम होगी। अगर E की वैल्यू सेम है तो जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये इंटीग्रेशन लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन से आप E को बाहर ले सकेंगे क्योंकि E की वैल्यू सेम है, वो एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आपको सरफेस ऐसा लेना है जिस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सेम बने, ताकि बस ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए है, ताकि इंटीग्रेशन से आप इसको बाहर लेके अपनी अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सके। वरना आप ई को सरफेस को कैसा भी क्लोज ले लेते, इधर यहाँ पे ऐसा क्लोज सरफेस भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले लेते भाई। पर इस पे जब इसमें देखिए अभी बताऊंगा क्या क्या दिक्कत है। एक तो ई की वैल्यू सेम नहीं बनेगी, आप सभी को बताया इस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग हो गया। ठीक है, दूसरा ये एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, इसका सरफेस एरिया जब ये इंटीग्रेशन से, एक तो ई बाहर ही नहीं आएगा, दूसरा ये डीएस भी नहीं पता होगा, ये डीएस भी सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो ये था आपके पास पॉइंट की सरफेस ऐसा कंसीडर करें कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो, ताकि आप इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर ले सके। बात समझ में आई, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड भी बता देता हूँ कि थर्ड आपको क्या कोशिश करनी है कि सरफेस आप आपके जो सिलेबस में है ना, बस ये सिमेट्रिक बॉडीज के लिए है, तो आपको जो सरफेस कंसीडर करना है, जो ये क्लोज सरफेस कंसीडर करना है, जो ये क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस जो आपने कंसीडर करा है, ये आपको सिमेट्रिक लेना है। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों लेना है, क्योंकि आपको देखिए सोल्व करना है ई डॉट डी एस,
यही तो चीज सोल्व करनी है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन ओ, ये सोल्व करनी है। आपने ई तो इस कंडीशन से बाहर ले लिया, अगर इस तरीके इसको कंडीशन को फॉलो करोगे तो आप ई को बाहर ले पाएंगे। ई को बाहर ले लिया, अब अंदर बचा आपके पास डीएस, डीएस का सरफेस इंटीग्रल, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन बच गया उस क्लोज सरफेस का। अब मान लो क्लोज सरफेस इस तरीके का होता, आपने ये डीएस छोटा सा कंसिडर करा था, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे डीएस हर जगह कंसिडर करो और उन सब का सम कर दो इस क्लोज सरफेस पे, वो आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व होके देगा, ठीक है। पर यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, आप इसको डीएस डी एन डी एस को जोड़ोगे तो आपको नहीं पता कितना आंसर आएगा, आप इसको डायरेक्ट सोल्व करके नहीं लिख सकते। पर इसकी जगह अगर स्पीयर होता तो स्पीयर में आप डीएस 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 करते हो तो आपको पता है कि ये पूरा स्पीयर कवर हो गया, तो अल्टीमेटली जो नेट इंटीग्रेशन आएगा वो तो टोटल एरिया आ जाएगा स्पीयर का। स्पीयर का एरिया तो आपको सीधा सीधा पता है, 4πr² होता है, आप डायरेक्ट लिख देंगे। एक सिमेट्रिक बॉडी के लिए तो आपने डायरेक्ट पता है एरिया कितना है, 4πr² लिख दिया। ये जो सिमेट्रिक नहीं थे इसमें आप डीएस डीएस अलग अलग निकाल के जोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एरिया भाई रैंडम बॉडीज के एरिया तो हमने सीखे ही नहीं हुए ना, आपको ट्रायंगल के सीखे हुए, रेक्टेंगल पॉलीगन्स के सीखे हुए हैं, ठीक है। स्पीयर वगैरह के, सर्कल वगैरह के, इन सभी चीजों के तो सीखे हुए हैं हमने। रैंडम आर्बिट्रेरी सरफेस का निकालना मुश्किल हो जाता है आपके पास, तो कोशिश करें कि सिमेट्रिक बॉडी ले ले, जैसे सिलेंडर ले लिया, स्पीयर ले लिया, इस तरीके की ओजन सरफेस ऐसा मानने जिसका एरिया निकालना आसान हो, और एरिया निकालना सिमेट्रिक बॉडीज का आसान होता है, और आपके सिलेबस में सिमेट्रिक बॉडीज ही है। आपके सिलेबस की बात नहीं कर रहा, गॉस थ्योरम बेटर वही है जहां पर आपके पास सिमेट्रिक बॉडीज की बात हो रही हो, ठीक है, सिमेट्रिक सरफेसेस की। अगर आर्बिट्रेरी सरफेस हो तो आप ये अप्लाई ही ना करो तो बेटर है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो आपको कोशिश करनी है ई इजिली सोल्व हो जाए, ई बाहर निकल आए, उसके लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है कि ई उस सरफेस पे हर जगह सेम हो, ठीक है, कहीं पर भी गैप ना हो सरफेस में, क्लोज सरफेस ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास ये जैसे क्लोज ना बना के यहाँ से गैप छोड़ दिया, गोजेन सरफेस ऐसा नहीं लेना, गैप वाला नहीं लेना है, ओके, ठीक है। तो ये गोजेन सरफेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, अब थोड़ा सा और इसी में आगे चलते हैं। गॉसियन सरफेस में ही जो ये सिमेट्रिक सरफेसेस बताए हैं, ये एक दो चीजों के आपको याद कर लेने हैं। कभी भी आपके पास पॉइंट चार्ज दे रखा हो, पॉइंट चार्जेस, तो आप इसको स्पीयर टाइप का सरफेस लेंगे, जो क्लोज सरफेस आप लेंगे या गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो आपको स्पीयर टाइप का लेना है पॉइंट चार्जेस के लिए। जब अभी बताया था एक प्लस क्यू चार्ज रखा था तो आपने एक स्पीयर ले लिया था, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए आपको जो गॉसियन सरफेस मानना है वो स्फेरिकल टाइप का मानना है हरदम, क्योंकि स्पीयर पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, इसका एरिया निकालना भी आसान है, तो वह जो जो कंडीशंस बताई थी सब सेटिस्फाई होगी। अगर आपके पास लाइन चार्जेस है, अगर आपके पास लाइन चार्जेस है तो आप जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिलेंड्रिकल लेंगे, ठीक है। लाइन चार्जेस के लिए सिलेंड्रिकल, जैसे एक वायर है, वायर पर इस तरीके से आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसके लिए ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकते हैं किसी भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। इस लाइन से इस पॉइंट पर हर पॉइंट पर आपके पास सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक सिलेंडर का एरिया भी आपको निकालना आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल ले लें, पॉइंट चार्ज के लिए स्पीयर ले लें, और एक केस और है आपके पास प्लेन शीट के लिए, एक केस और आएगा प्लेन चीजों के लिए, जैसे प्लेन शीट थिन और थिक, इसके लिए भी आप सिलेंड्रिकल यूज करेंगे, वो देख लेंगे जब केस आएगा कैसे, ठीक है। प्लेन शीट जैसे कागज है उस पर कोई चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली इस तरीके से, ठीक है। ये गॉस थ्योरम के पॉइंट्स थे सारे, अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पे आते हैं कि गॉस थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे आप इससे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह, ठीक है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में सबसे पहले एक चीज मैंने बताई थी आपके लिए कि कूलम्स लॉ इससे डिड्यूस किया जा सकता है, हालांकि कूलम्स लॉ पहले आया था पर कूलम्स लॉ इससे डिड्यूस किया जा सकता है, तो एक पहले वही कर लेते हैं। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ एक तरीके से एप्लीकेशन ही है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम या यूजिंग गॉस लॉ,
गॉस लॉ का यूज करके आप कूलम्स लॉ को डिड्यूस कर दें। कूलम्स लॉ क्या था, दो चार्जेज रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स बताता था कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये होता था ना। तो सपोज करो एक ये एक क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इससे मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा होगा क्यू नोट, उस पर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेन मुद्दा क्या है, दो चार्जेज रखे हैं उनके बीच में फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, मेरा ये मुद्दा है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, या मान लो पी पॉइंट ही ले लो, बाद में कर लेंगे किसी चार्ज को इधर, ठीक है। इस तरीके से ये एक पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मेरा गॉस थ्योरम को यूज करने का क्या वो था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना है। क्लोज सरफेस इस तरीके से कंसीडर करना है कि क्लोज सरफेस के ऊपर कोई चार्ज ना आए, ठीक है, यहाँ पे, और क्लोज सरफेस के ऊपर चार्ज ना आए, या तो सारा चार्ज अंदर हो या सारा चार्ज बाहर हो। तो आपने ये एक क्लोज सरफेस मान लिया, सारा चार्ज इसके अंदर है, ये क्यू चार्ज सारा का सारा इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात हुई, बता चुका हूँ कि पॉइंट चार्ज है तो सरफेस आपको स्फेरिकल लेना है, क्यों लेना है वो भी बता चुका था, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, प्लस इसका एरिया निकालना भी आपके पास आसान है, ठीक है। इतने चीज़ समझ में आई। मान लिया कि ये पी पॉइंट इससे आर डिस्टेंस दूरी पे है, तो ये एक तरीके से स्फीयर की रेडियस ही बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, गॉस थ्योरम अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम का तो यूज़ करना ना हमने, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या बोलता है, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को कैसे लिखते थे, ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे मीडियम की बात नहीं करी, तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, ओके, ठीक है, बात समझ में आई। अब फ्लक्स में बता चुका हूँ ये डॉट प्रोडक्ट है, ये खुलेगा, डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है, एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती है, चाहे इधर बना लो, यहाँ पर बनाओगे तब भी बाहर निकल रही है, इधर बनाओगे, उधर बनाओगे, कहीं बना लो बाहर ही निकल रही है। पर मैं उस पी पॉइंट को देख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे गई बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू पता चल गई। अब आपको डी एस चाहिए, डी एस क्या होता था, आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स, सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर ले, तो इस स्फीयर के सरफेस पे, जैसे फुटबॉल पे वे हेक्सागन से बने रहते हैं, वैसे ही एक मैंने ये डी एस छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, डी एस एरिया, एरिया वेक्टर बनाना है, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है, आउटवर्ड ड्रोन नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रोन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ये बन गया आपके पास बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर को लिखना चाहूँ, तो एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, बात समझ में आई आपको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन वाइज लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये इंक्रीजिंग रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में है ना, इस तरीके से, तो उस तरफ है। मैं ई की वैल्यू नहीं लिख रहा, मेरे को नहीं पता अभी ई की वैल्यू कितनी है, पर एक वेक्टर कैसे लिखा जाता है, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। जैसे एरिया वेक्टर कैसे लिखा है, एरिया का मैग्नीट्यूड, ये डी एस मैग्नीट्यूड था, इनटू में उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन देता है एरिया वेक्टर की, आउटवर्ड और नॉर्मल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बस इतना पता है आउटवर्ड है, अभी मैं ये नहीं जानता कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये नहीं पता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमको पहले से नहीं पता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से बस इतना पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड बनेगा इनटू में उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, आउटवर्ड वाली, इंक्रीजिंग रेडियस, तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आर कैप हमने ले लिया। तो जब ई डॉट डी एस सोल्व करूंगा मैं, ई डॉट डी एस अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ई को आप क्या लिख सकते हैं, ई इंटू में आर कैप, ये लिख दिया। डी एस को क्या लिख सकते हैं, डी एस इंटू में एन कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ बीच में, डॉट प्रोडक्ट बस वेक्टर्स के बीच में लगता है, तो इसको वेक्टर्स के बीच में कर लेंगे हम। ई और डी एस आपके पास वेक्टर नहीं है,
ये इनके मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। वेक्टर कौन है? ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर, ये है वेक्टर। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये किया था ना। तो आपके पास ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये आर कैप और एन कैप के बीच में होता है। ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, आगे डायरेक्ट इनके हैबिचुअल हो जाएंगे आप। तो जब आर और एन का डॉट प्रोडक्ट आप खोल लेंगे तो कैसे खुलता है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू में एंगल बिटवीन देम, कोस एंगल ऑफ बिटवीन देम, कोस आर और एन के बीच का एंगल। आर भी आउटवर्ड है, एन भी आउटवर्ड है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और कोस 0 भी 1 होता है। तो आप बस ऐसा ही याद रख ले कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हुआ करेंगे तो आप डॉट को हटा के डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो तो डॉट को हटा के डायरेक्ट 1 लिखें। मतलब कि जो ये ई डॉट डी एस है ना, इसको डायरेक्ट ई डी एस। अब बचा ही क्या इसमें? ई डी एस ही तो बच गया भाई, इसमें बच क्या गया? ई डी एस, बाकी चीज तो बन होगी, डॉट भी हट गया और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बच गए इनके, ई डी एस ही तो बच गया। ये आर डॉट एन तो बन हो गया आपके पास, ठीक है, ई डी एस बच गया खाली, डॉट हट गया आपके पास। तो आप याद ही रखेंगे आगे से, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो डायरेक्ट 1 आंसर आ जाता है, और जब भी इनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर एरिया वेक्टर इधर, या एरिया वेक्टर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो माइनस कोस 180 बनेगा, माइनस 1। तो डायरेक्ट आप इसको हटा के माइनस का ई डी एस लिख देंगे, ठीक है, 180 डिग्री हो तो। अगर 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट ई डी एस लिख देंगे, आगे से याद रख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और 90 डिग्री हो तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा सीधा ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये ई डी एस सोल्व हो गया। इसको रब कर रहा हूँ मैं इधर से, ठीक है, सारा ही कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से हमारे पास क्या आया? ये आ गया आपके पास ई डी एस, और इधर क्या चल रहा था? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम में ये चल रहा था। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, और ई की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी इस सरफेस पे। क्यों? क्योंकि आर इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई आर के प्रोपोर्शनल होता ना। तो जहाँ जहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस सारे सरफेस पे आर की वैल्यू सेम है। अगर आर की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है ये कांस्टेंट होगा। वो इस थ्योरम की वो जो एक हमने बताया था कंडीशन कि ये यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट है, हर जगह एक सा है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते। तो ई बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास डी एस, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई ये आ गया, आपको डी एस डी एस डी एस इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इंटीग्रेशन क्या बोलता है? ऐसे डी एस डी एस डी एस सरफेस, पूरे सरफेस पे कंसीडर कर लो, ठीक है, और उसको पूरे को जोड़ दो, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सोल्व हो गया जाएगा। जब पूरे सरफेस को ही आपने कवर कर लिया और उन सब छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो नेट एरिया आ जाएगा। नेट एरिया ऑफ द स्पीयर कितना होता है? 4 पाई इंटू उसकी रेडियस का स्केयर, 4 पाई आर स्केयर स्पीयर का एरिया, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज। ये चार्ज कौन सा होता था? जो अंदर रखा है, अंदर टोटल चार्ज ही क्यू था, तो क्यू इनक्लोज को आप डायरेक्ट क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, और ये आपने पढ़ा हुआ है, कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था कि एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्केयर, या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, ये पढ़ा हुआ है, वही चीज़ निकल के आई है। तो कूलम्स लॉ लगाना है मेरे को। अगर मान लो इस जगह पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा होता तो आप फोर्स लिख सकते थे। आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि एफ अपॉन क्यू होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज प्लेस एट दैट प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा चार्ज रखा है? क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कौन सा चार्ज है? अब ला के आपने क्यू नॉट क्रिएट कौन कर रहा है? सोर्स कौन है? प्लस क्यू चार्ज। ई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, यहाँ से एफ बाई क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को उधर ले जाओ तो एफ आ जाएगा क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखेंगे तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्केयर, ठीक है। यही तो था कूलम्स लॉ,
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी एसिमेट्रिक क्लोज सरफेस एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का आ गया तो आप गॉस थ्योरम को लगा तो सकते हैं, पर कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आप ना ही लगाओ, कूलम्स लॉ ही यूज़ कर लो तो ही बेटर है। वरना अगर आपके पास सिमेट्रिक बॉडीज हो, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप हरदम गॉस थ्योरम से इजीली उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में एक दो चीज़ें और देख लेते हैं आपके पास। जैसे जो ये आपके पास क्यू इंक्लोज है, ये कैसे निकालें? ठीक है, जो ये क्यू इंक्लोज है ये कैसे निकालें? क्यू इंक्लोज निकालने के लिए देखिए, अगर आपके पास किसी क्लोज सरफेस में डायरेक्ट ऐसा क्यू लिखा है तो फिर यही क्यू इंक्लोज हो गया। आपके पास क्यू इंक्लोज क्या हो गया? ये क्यू ही हो गया इस केस में। अगर आपके पास ऐसा क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री माइनस क्यू फोर माइनस क्यू फाइव इस तरीके से चार्ज रखा है, तो आपको एक चार्ज की प्रॉपर्टी पता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज वो क्या बोलता है? नेट चार्ज इंक्लोज कितना किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर नेट चार्ज कितना होगा, जितने उस पर टोटल चार्ज है उन सब का स्केलर वाला सम कर दे डायरेक्ट वाला, मतलब डायरेक्ट जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो क्यू चार्ज बनेगा इंक्लोज में, ये बनेगा आपके पास क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर माइनस क्यू फाइव, तो आपको नेट चार्ज ये लिखना है उस केस में। ठीक है, तो अच्छा अगर आपके पास चार्ज कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, जैसे आपके पास एक वायर है इस तरीके से, या रोड है या वायर है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग है। ठीक है, इधर इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, ऐसे है, तो आपने एक छोटी सी जगह पे ऐसा मान लो सिलेंड्रिकल ये क्लोज सरफेस ले रखा है, तो अब आपको थोड़ी ना पता है इसके अंदर कितना चार्ज है। ये चार्ज तो भाई इधर तक भी गया हुआ है, ये चार्ज तो इधर तक भी गया हुआ है, तो इसके अंदर कैसे चार्ज निकाल लेंगे ये थोड़ी पता है। तो यहाँ पर अगर आपको क्यू इंक्लोज निकालना हो तब आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ भी है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था हमने जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और मैं आपको बता चुका हूँ उधर, जब भी आपको इस तरीके का केस आएगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर जो है आप उसको देख लेना, जब भी इस तरीके का केस आएगा तो आप हेल्प लेंगे चार्ज डेंसिटीज़ की। आप किसकी हेल्प लेंगे? चार्ज डेंसिटीज़ की। मैंने बताया था ये चार्ज डेंसिटी वाला लेक्चर है, ये गॉस थ्योरम में जाके यूज़ होएगा आगे जाके। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। चार्ज डेंसिटी आपने तीन तरीके की पढ़ी है, एक आपने पढ़ी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये आप लैम्डा से डिनोट करते थे, और ये होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक होती थी आपके पास सरफेस, ये वन डायमेंशन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते थे, और ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता था। और इसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको आप रो से डिनोट करते थे, और ये चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता था। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये चार्ज डेंसिटी कैसे हेल्प करती है हमारे पास? ठीक है, ये मेन मुद्दा है, और ये डिस्कस हो चुका है ये सारा, पर मैं यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, डेंसिटी जो टर्म है, ये जो ये डेंसिटी है ना, ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो डेंसिटी आपने मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ी है, उसका क्या मतलब होता है? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। भाई नॉर्मल आपने डेंसिटी ये पढ़ी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको डेंसिटी बोलते हैं। जैसे आपके पास समुंदर है, या एक एक पूरा टब पानी का भरा हुआ है, ठीक है, उस पानी में यूनिट वॉल्यूम ले लो, उसकी यूनिट वॉल्यूम मान लो इतनी सी यूनिट वॉल्यूम बनती है, उस यूनिट वॉल्यूम का मास क्या है उसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, उस टब में जो पानी भरा है, उस पानी, उस पूरे टब की जो पानी भरा हुआ है उसकी यूनिट वॉल्यूम उठा लो जितनी भी बनेगी, उस यूनिट वॉल्यूम के मास को बोलते हैं डेंसिटी। अब आप उस टब से एक गिलास पानी निकाल लो और इसकी डेंसिटी आपसे पूछी जाए तो सेम ही आएगी, क्योंकि इसकी भी यूनिट वॉल्यूम तो उतनी ही बननी है। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। टब की भी यूनिट वॉल्यूम इतनी थी, उसका मास तोल लिया आपने। गिलास की भी यूनिट वॉल्यूम, मटेरियल तो वही है ना, पानी तो वही है, और यूनिट वॉल्यूम उतनी ही बनेगी। ठीक है,
और यूनिट मूल्यों का मास आपने देख लिया, ये भी उतना ही मिलेगा। एक चम्मच पानी निकाल लो तब भी उतना ही मिलेगा। तो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, पूरा टब पानी था, पूरा आपके पास गिलास पानी है या चम्मच में पानी है, डेंसिटी आपके पास सेम है। इसी तरीके से आपके पास ये पूरे वायर, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी भी मिल जाती है, पर आपके सिलेबस में नहीं है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वर्ड पहले ही लगेगा, तो यूनिफॉर्म लग गया मतलब कि हर जगह पे सेम चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, हर जगह पे एक जैसा चार्ज है, ठीक है। तो जो ये वायर पे हर जगह एक जैसा चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी जो इसकी होगी, चार्ज डेंसिटी कौन सी वायर के लिए, वन डायमेंशन बॉडी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की बात कर लेंगे, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं लीनियर वाली, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको सरफेस वाला बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होती है पता है ना, जैसे स्पीयर के अंदर की बात कर रहे हो तो वो वॉल्यूम है, स्पीयर के सरफेस की बात कर रहे हो तो वो सरफेस है, ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, सतह की बात कर रहे हैं, और अगर वायर की लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो लेंथ है आपके पास, ठीक है, लाइन वाला केस है, ओके। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, चाहे इस पूरे वायर को देख लो, यूनिट लेंथ में तो उतना ही चार्ज मिलेगा, चाहे आप इसका छोटा सा टुकड़ा निकाल लो उसकी भी यूनिट लेंथ में उतना ही चार्ज मिलेगा। तो चार्ज डेंसिटी ना तो इधर चेंज होती थी क्वांटिटी के साथ, ना ही इधर चेंज होती है आपके पास, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी आपके पास कॉन्स्टेंट रहेगी, चाहे वायर पूरा ले लो चाहे छोटा सा ले लो, मतलब कि पूरे वायर में सपोज करो क्यू चार्ज था, पूरे वायर पर क्यू चार्ज है, इतने से हिस्से का जो क्लोज सरफेस के अंदर आता है मेरे को नहीं पता उसका कितना चार्ज है, और इसकी चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, तो आप ये फॉर्मूला लगाते थे लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय जितनी भी इस वायर की टोटल लेंथ थी। सपोज करो इन्फिनिटी ना लेके मैं कैपिटल एल ले लेता हूँ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लैम्डा का आपके पास ये था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर आपको पूरे के नीचे ये आपको उतनी चाहिए जितनी इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपने गॉसियन सरफेस की लेंथ पता है, मान लो स्मॉल एल है, देखिए मेथड क्या है, आप एक छोटा सा एलिमेंट इसमें कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ आपके पास डी एल है, मान लो इस पे चार्ज कोई डी क्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एक बात कन्फर्म है कि लैम्डा चेंज नहीं होता, चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होती है, जो पूरे पे लैम्डा थी वही लैम्डा इस छोटे से हिस्से की भी रहेगी। तो अब आप लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब आप लगाएंगे डी क्यू बाई डी एल, लैम्डा कितना होगा डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला तो वही है, ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा है, तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे क्योंकि चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होती है, पूरे की इतने की सब जगह चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो आप यहाँ से लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी एल विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। आपको तो ये चार्ज चाहिए कितना है, तो यहाँ से डी क्यू कितना आया, क्यू आपको नॉन था, पूरा चार्ज कितना है वो पता है, Q अपॉन L इंटू में डी एल, ये छोटा सा चार्ज आया, ऐसे डी क्यू डी क्यू इस पूरे सरफेस के अंदर कितने बने, तो अगर मैं उन सबको जोड़ दूँ डी क्यू को तो नेट चार्ज पता चल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इस L लेंथ तक, L लेंथ तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको नेट चार्ज पता चल जाएगा। अभी फिलहाल मेरे को इसकी इनिशियल फाइनल लिमिट नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक है, जनरली आपको पता होगी। तो यहाँ से आपके पास ये डी क्यू जुड़ के तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज आ जाएगा जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है, वो जितना भी मानना आपने क्यू डैश वू डैश वो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाई एल डी एल, या डायरेक्ट इसको सीधा देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको चार्ज निकालना कैसे है अंदर वाला इनक्लोज चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाई एल, तो लैम्डा ही होता ना, क्यू बाई एल तो लैम्डा होता है, लैम्डा इंटू डी एल, जितनी भी लेंथ तक वो सरफेस इंक्लोज है वहाँ तक आप इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास सरफेस की बात हो रही हो, ये तो लेंथ की बात हो रही थी, सरफेस की बात हो रही है, तो आप इसको सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अगर आपके पास वॉल्यूम में बात चल रही है तो आप इसको रो इंटू डी वी वॉल्यूम, इस तरीके से कर देंगे। तो आपको क्यू इंक्लोज निकालने के ये तरीके हैं। अगर डायरेक्ट पता है कितना चार्ज है तो सीधा ही वही लिख देना है अंदर वाला चार्ज, एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा के, अगर अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे इसमें, तो आप ये वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं। टू डायमेंशन सरफेस है, सरफेस है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी के यूज़ करोगे,
ठीक है, जहाँ पर सरफेस पर चार्ज रखा है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। वॉल्यूम के अंदर चार्ज है तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लेंथ पर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। इस तरीके से हम क्यू इंक्लोज निकाल सकते हैं। हमारे पास इसकी तीन अप्लीकेशन और हैं, आज अप्लीकेशन तो कोई हुई ही नहीं है एक तरीके से, ये गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन ही था। गॉस थ्योरम में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं हमने वो सब, और अप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए इसलिए। थैंक यू।